सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में, तो स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं फिर से ड्यूटी, 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए बस। तो अभी मैं चलते चलते ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, जस्ट नहा के बाहर आया हूँ बाल अभी भी गीले ही हैं, सूखे नहीं हैं। और आज भी मौसम ऐसा का ही है, और आज ऊपर लेकिन ऊपर की साइड में जो है बादल ज़्यादा घने हैं अभी तक। अभी थोड़ी देर तक धूप आई थी, फिर वैसे ही मौसम हो गया है। तो अभी चलते हैं फिर से। आज हमारे जो 3 साथी हैं वो छुट्टी पे हैं, मतलब आज उनका छुट्टी है। तो आज मैं और मेरे 2 मेन शेफ हैं किचन में। कैमरा शायद ज़्यादा हिल रहा होगा। मैं और मेरे 2 शेफ हैं किचन में, तो मतलब काम भी ज़्यादा नहीं है आज। तो देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम जाएंगे नाश्ता करेंगे और मिलते हैं फिर सीधा किचन में। तो भाई हम पहुंच चुके हैं किचन में, और किचन बिल्कुल तुमको पता ही है जैसे रात को करके जाते हैं वैसे ही रहता है साफ। मतलब जो है जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले रहते हैं उनको भी साफ मिलता है, तो हमको भी साफ ही मिलता है। तो ऐसा ही है अपना किचन। और अभी नाश्ता लगाते हैं फटाफट से और नाश्ता करते हैं। फिर अभी अपने मतलब जो मेन शेफ हैं, बड़े शेफ हैं जो, वो आए नहीं अभी, तो उनका भी वेट करते हैं। और थोड़ा हम देख लेते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है कटिंग वगैरह। तो चलते हैं, मतलब नाश्ता लगाते हैं और नाश्ता करते हैं। आज है नाश्ते में पोहा, तो करते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आपको, फिर कटिंग भी लगानी है। तो गाइस कटिंग वटिंग करके तो रख ली है अंदर, अभी फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि अभी इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं नहीं और आज रूम भी कम ही है, तो सारे कटिंग वटिंग करके अंदर रख लिया है। ठीक है, तो गाइस आ चुका हूँ मैं नीचे, मतलब नीचे आ गया था और अभी जा रहा हूँ मैं वापस से। और अभी शाम का टाइम हो गया, 7 बज रहे हैं, और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। अभी मैं जस्ट अपना स्टूडियो खोला था, मतलब वाइट स्टूडियो खोला था, तो मैंने उसमें देखा लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया है, मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस है उस वीडियो में। अभी मतलब अच्छे व्यू आए हैं उसमें, कल पिछले वीडियो के मुकाबले उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोग का, और उस चीज़ के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा गाइज। और सब्सक्राइब भी करें यार, सब्सक्राइब भी करो। अभी कम से कम 8:30 हो रहा है और अभी यहाँ पर बन रहा है हरा भरा कबाब। इसको अभी थोड़ा देर में फ्राई करते हैं, यहाँ पर ऑयल गर्म करने को रखता हूँ मैं पहले। ठीक है, तो थोड़ा देर में मिलता हूँ, तब तक जो शेफ हैं वो कबाब बना रहे। तब इसको मतलब अभी कच्चा दिखाएंगे आपको, पहले कच्चा बनना, जब कच्चा बनता है तब कैसा दिखता है और पकने बाद कैसा दिखता है। ठीक है, थोड़ा देर में मिलता हूँ। देख सकते हैं इतने छोटे छोटे पीस बना दिए गए हैं, अभी इनको पूरा सेट करा जाएगा सही से। ठीक है, ये भी थोड़ा साफ करते थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके रखा जा रहा है, कहीं टूट ना जाए। तो इसको फ्राई करने के बाद दिखा देते हैं, इसको फ्राई करने के बाद दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। ठीक है, अभी यह है इसकी डिश जिसमें रखा जाता है, अभी अजीब से पतले जैसे। तो इसके बाद दिखाते हैं फ्राई करने के बाद कैसा दिखता है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है हरा भरा कबाब, और इसके साथ ग्रीन चटनी है, और ये होगा पैक, जाएगा सीधे कस्टमर के टेंट में। अभी दूसरा डिश बना रहे हम, तो अभी मैं बिजी हूँ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। तो गाइस अभी आपने देखा होगा कि हमने बनाया था हरा भरा कबाब। ठीक है, और अभी हम नीचे आए हैं क्योंकि काम कम था, और देख सकते हैं अभी कितना मस्त लग रहा है यहाँ से। इधर से दिखाता हूँ आपको, पूरा दिखता है यहाँ पर से, देख सकते पूरा नज़ारा। पंकज दा, ओ पंकज दा, मछली देखने चले, मछली किधर है? तो यहाँ पर इसमें है क्या, नीचे चले, इसमें मछली है और ऊपर रेस्ट हो अपना, इसमें भी है, नहीं दिख रही यार इसमें, क्या बात करो, तो सामने में नहीं है, अरे इसमें नहीं दिख रही है ना। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे फोटो शूट कराने, थोड़ा फोटो शूट करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना लाइटनिंग, देखो अभी रात में मस्त लाइटिंग है। ठीक है, लाइटनिंग मस्त है, तो हम फोटो शूट कराते हैं थोड़ा, तो फोटो वोटो खींचने के बाद मिलते हैं। और ऊपर अभी काम कम ही था आज, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये अपनी गाड़ी है बैटरी वाली, मस्त चलती है, क्या भागती है खड़ी चढ़ाई में भी। तो अभी मैं ऐसे नाइट मोड में फ़ोटो शूट कर रहा था। ठीक है,
तो मैंने देखा अभी इधर स्विमिंग पूल में लाइट जली हुई, देखो कितना मस्त लग रहा है ना। देखो यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है रात को। हाँ माना कि लाइट ही लाइट दिख रही है लेकिन मस्त दिख रहा है यार। तो अभी ऑर्डर आया, चलते ऊपर। क्या ऑर्डर आएगा? तो ऊपर आया ऑर्डर बिरयानी कबाब, चलते हैं दिखाते हैं। है हाँ बिरयानी कबाब तो बोला मैंने, बिरयानी इरयानी कबाब। तो चलो इरयानी कबाब, बिरयानी सुन रहा था मैं, चलते ऊपर। ये हो चुका है तैयार, क्या था ये? हाँ तो ये हो चुका है तैयार चीज़ कॉर्न बॉल, और यहाँ पर हो रहा है, और इसमें हो रहा है ईरानी कबाब लाल पीला। इससे बढ़िया तो शिमला मिर्च दिखते हैं लाल पीले। तो ये गाइस हो रहा है तैयार ईरानी कबाब, ये हो चुका है ईरानी कबाब तैयार, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला पड़ गया है, और इसके साथ जाएगी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी दे दी है, और ये देख सकते हैं ईरानी कबाब मस्त लग रहा है लेकिन दिखने में। अभी टेस्ट तो हमने नहीं किया है, कभी करेंगे टेस्ट, ठीक है फिर बताएंगे। मस्त लग रहा है यार, खुशबू तो अच्छी आ रही है, और हैदराबादी बिरयानी बना के मैंने लिया, देखा तो नहीं भेज दी गई जो सीधा, क्योंकि उनको इंस्टेंट ये हो रहा था, और था इसमें जो भी वेज ईरानी कबाब और चीज़ कॉर्न बॉल तो आपने देखे ही होंगे अभी, ठीक है। और आगे आगे दिखाते रहेंगे आपको नए नए डिशेज, तो बने रहिए वीडियो में, लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में, सो गाइस मैं आ गया हूँ नीचे, और हम खाना वाना खा के नीचे आ गए हम। और तो आज हमने बहुत सारा डिश देखी थी, हमने बनाई थी हैदराबादी बिरयानी, ठीक है। हैदराबादी बिरयानी तो देखी नहीं क्योंकि वो मतलब बनते ही चली गई थी। और उसके बाद हमने देखा था स्वीट कॉर्न बॉल्स, और उसके बाद हमने देखा था ईरानी कबाब, ठीक। और यही था आज के व्लॉग में, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। अब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।